वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट्स में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू रिकॉल द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यू विल बी एबल टू रिकॉल द एडवांटेजेस ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ओवर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यू विल बी एबल टू क्लासिफाई द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो इस्तेमाल है वो हम लोग एम्पलीफिकेशन और डिजिटल पर्पसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे डिजिटल स्विच बनाने के लिए या हम किसी भी सिग्नल को या स्मॉल सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। इट इज जस्ट लाइक द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बट इसकी अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें और बाकी सब चीजों के बारे में जाने तो ये बिल्कुल अलग होता है हमारे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से आपसे थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, खासतौर से आपसे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो ज्यादातर अगर आप देखोगे तो इसमें आपके मोस्टली थ्योरेटिकल ही क्वेश्चंस बनेंगे और उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें करंट की वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूले को आगे इस्तेमाल करेंगे। सो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें ज्यादातर आपसे थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखें तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूरे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर जगह जहां एम्पलीफिकेशन है, जहां डिजिटल स्विचेज हैं और जहां पर आपके डिफरेंट अनदर एप्लीकेशन है जहां पर हम फील्ड इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, उस जगह पर हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं। तो इट इज मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रांजिस्टर दैट इज यूज्ड बाय इन प्रैक्टिकल पर्पसेस। ज्यादातर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर हमको फास्टर रिस्पांस चाहिए होता है डिवाइस का, उस जगह पर हमको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को यूज करना पड़ता है। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आप देखो तो प्रैक्टिकली बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट लर्निंग आउटकम, दैट इज द रिकॉल ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। So there are three letters, that is field, effect and transistor. So, field effect transistor कहने का मतलब ये है कि वैसे transistor which is used for the amplification purpose, transistor used for amplification purpose, इस ट्रांजिस्टर का मतलब ट्रांसफर प्लस रेजिस्टर नहीं होता है। वी आर नॉट ट्रांसफरिंग द करंट फ्रॉम द हाई रेजिस्टेंस साइड टू द लो रेजिस्टेंस साइड। इसकी जो वर्किंग है वो बिल्कुल हमारे बीजेटी से अलग होती है, इसलिए हम इसको सिंपल ट्रांजिस्टर तो बोल सकते हैं। वी आर ट्रांसफरिंग द करंट, बट एक रीजन हमारा हाई रेजिस्टेंस होता है, बट ज्यादातर हम लोग यूनिपोलर, चूंकि यूनिपोलर करंट की बात करते हैं, इस वजह से ये इसकी वर्किंग थोड़ी सी अलग होती है। तो अगर हम इसके लेटर्स की बात करें तो सबसे पहले इसका जो लेटर आता है वो आता है फील्ड। फील्ड कहने का मतलब किस तरह का फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब यह है कि द FET ऑपरेट्स ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। FET जो होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर ऑपरेट करता है, एंड देयर इज द इफेक्ट दैट ऑपरेट्स लाइक इट एज अ ट्रांजिस्टर। सो फील्ड इफेक्ट का ही, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का ही जो इफेक्ट होता है वो इसको ट्रांजिस्टर की तरह ऑपरेट कराता है, इसीलिए हम इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। अगर हम इसके बारे में जानने की कोशिश करें तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इट इज a unipolar transistor, it is a unipolar transistor. Unipolar कहने का मतलब क्या होता है, that is one charge
कैरियर, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक ही चार्ज कैरियर है जो ऑपरेट करता है, एंड दैट चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन और होल, या तो ये इलेक्ट्रॉन से ऑपरेट होगा या फिर ये होल से ऑपरेट होगा। ये दोनों चार्ज कैरियर के चलते इसमें कंडक्शन या इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, तो इट्स ए यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। एंड देन देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस, देयर आर वेरियस एप्लीकेशन, वेरियस एप्लीकेशन various application of FET similar as what BJT। तो bipolar junction transistor की तरह इसके भी बहुत सारे application होते हैं जो कि एक जैसे होते हैं। जैसे bipolar junction transistor हमारा amplification करता है, FET क्या perform करता है, amplification। FET transistor used for amplification, this is used for amplification, ये amplification purpose के लिए use होता है। FET transistors जो होते हैं वो saturation और cutoff region में भी काम करते हैं, so it operates in saturation and cutoff, so it used for digital लॉजिक ऑपरेशंस। ये डिजिटल लॉजिक ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। FET का इस्तेमाल हम लोग स्विचेस बनाने में करते हैं, ठीक है, FET का इस्तेमाल हम लोग स्विचेस बनाने में करेंगे। आगे हम आगे पढ़ेंगे तो FET से एक नया टर्म निकल के आता है CMOS, जिसका इस्तेमाल हम लोग पूरे डिजिटल एप्लीकेशंस में करते हैं। सो डिजिटल लॉजिक ऑपरेशन तो साथ साथ होता ही है, तो फॉर डिजाइनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स FET का इस्तेमाल फॉर डिजाइनिंग डिफरेंट लॉजिक गेट्स हम लोग FET को बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि FET की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि FET अगर हम इसको IC में फैब्रिकेट करना चाहें, बिकॉज इट्स अ यूनिपोलर, तो एक ही लेयर यूज होती है, चाहे हमारी N टाइप की लेयर हो चाहे हमारी P टाइप की लेयर हो, भले ही हम उसमें P को कंबाइन करते हैं यानी P को डिफ्यूज करते हैं, बट उसका एरिया बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो इसलिए इसकी लेंथ को और इसकी विड्थ को हम लोग चेंज कर सकते हैं, और उसके चेंज करने की वजह से हम लोग FET को एज एन इंटीग्रेटेड सर्किट में कन्वर्ट करना हमारे लिए ज्यादा आसान होता है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज दैट कि हम FET में इन FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में हम लोग ज्यादातर जो हमारे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं, इन FET वी कैन डिजाइन इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि ICs हम लोग बना सकते हैं, वी कैन डिजाइन इंटीग्रेटेड सर्किट बिकॉज इट टेक्स स्मॉलर स्पेस, एक कम जगह लेता है, तो अगर ये हमारे कम जगह लेगा तो सिंपल सी बात है कि हमारे इंटीग्रेटेड डिजाइनिंग में इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप एनालॉगी देखो FET और BJT की, तो अगर हम देखें FET इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस सिमिलर एज BJT, तो BJT की तरह ये सिमिलर होता है,
अगर आप देखो तो ये भी तीन टर्मिनल डिवाइस है, इट इज सिमिलर एज बीजेटी. तो इफ यू विल टेक अ ब्लॉक if this is a BJT, there is three terminals. One is base, third is emitter. So there is three terminals, जो कि हम लोगों ने already पढ़ा है कि तीन terminals होते हैं, base, collector और emitter. तो अगर आप इसमें देखो तो जो controlling चीजें हैं वो हमारा IB है. There is the base current, that is the controlling current, and this is the controlled output. This is your controlled input. Controlled input. And this is your controlled आउटपुट. ये हमारा बीजेटी होता है जिसमें हम कंट्रोल्ड इनपुट और कंट्रोल्ड आउटपुट लेते हैं. तो ये अगर आप देखो तो बीजेटी को हम क्या कह सकते हैं, बीजेटी जो ऑपरेट होता है इस जगह पर जो वोल्टेज आता है उस वोल्टेज का नाम क्या होता है, वीबी. यू चेंज दिस वीबी वोल्टेज, हमारा आईबी वैरी करता है और आईबी के वैरी करने से हमारा आईसी वैरी करता है. यानी कि हम अगर इसको वेरिएट करते हैं, this voltage is varying, if this voltage is varying, हम अगर ये VBE pump करेगा तो simple सी बात है कि जो हमारा IB है इसकी value क्या होगी, बदलेगी. और IB की value बदलने की वजह से हमारा IC बदलता है. यानी कि on changing this VBE voltage, VBE को अगर हम change करते हैं, this will be varying, this is varying, if this is varying, then your IB current will be changed. और IB current क्या होगा, चेंज करेगा. This IB will be changed. And if this IB will be changed, आपका जो output है, this is your output, that IC equals to beta IB, this is also changed. तो हमारे ये सारी चीजें interlinked हैं, आपस में जुड़ी भी होती. मतलब क्या है कि अगर आप डायरेक्टली देखो तो ये सीधा सीधा आईबी पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो हमारा आउटपुट है वो आईबी पर डिपेंड कर रहा है. इनपुट हमारी क्या हुई, बेस करंट हुई, जो कि डिपेंड करेगी हमारे वी इन पर. जो सिंपल सी बात है कि हमारे वोल्टेज पर डिपेंड करेगी. तो आईबी अगर हमारा बदल रहा है तो हमारा आईसी बदल रहा है. तो आईसी बदल मतलब कि ऑन चेंजिंग योर करंट वैल्यू योर आउटपुट करंट इज चेंजिंग. इट मीन्स योर बीजेटी इज वॉट, योर बीजेटी is a current controlled device. Your BJT is a current controlled device. Now, if you will talk about FET, so if you will talk about FET, so in FET there are three terminals. One is gate, similar as base. Second is drain, and third is your source. This is called gate. This is called drain. And this is called source. तो अगर हम FET की बात करें तो इसमें तीन टर्मिनल्स होते हैं, देयर आर थ्री टर्मिनल्स. वन इज गेट, सेकंड इज ड्रेन, एंड थर्ड इज द सोर्स. तो इसमें जो कंट्रोल्ड इनपुट होती है वो होती है हमारी VGS. तो दिस इज योर कंट्रोल्ड इनपुट, दैट इज VGS. तो दिस इज प्लस माइनस VGS. पर इस VGS से कोई करंट नहीं फ्लो होता है, यानी कि इस IG की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी. This IG is equals to zero. Okay. So by giving this VGS value, there is no any current is flowing in this gate. यानी कि इस gate terminal में कोई current नहीं जा रहा है. But there is the current at the ID.
ठीक है, और इस करंट को हम लोग बोलेंगे ड्रेन करंट। दिस करंट इज नोन एज द ड्रेन करंट, करंट इज नोन एज द ड्रेन करंट। यही हमारा आउटपुट करंट है, ये हमारा कंट्रोल्ड आउटपुट है। तो अगर आप देखो तो हमारी जो इनपुट है वो क्या है, वो VGS है। दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट। तो हम VGS देकर आउटपुट पा रहे हैं क्या, करंट। सो यू आर गिविंग योर VGS इनपुट एंड यू आर फाइंडिंग ID आउटपुट। तो आप इस डिवाइस को क्या बोल सकते हो, FET इज विच काइंड ऑफ डिवाइस, यानी कि इस VGS के देने से हमारे IG पर कोई वैल्यू चेंजेस नहीं आ रही, यानी कि हमारा जो गेट करंट है वो हमारा जीरो रह रहा है। बट फ्रॉम दिस चेंजिंग ऑफ VGS योर ड्रेन करंट इज वेरिंग, यानी कि हमारा ड्रेन करंट क्या होगा, चेंज करेगा। तो अगर ड्रेन करंट चेंज करेगा तो सिंपल सी बात है, आप ये कह सकते हो ये जो VGS है इस VGS पर डिपेंडेंट कौन है, ये ड्रेन करंट। तो आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन योर इनपुट वोल्टेज। इस वोल्टेज से हमारे IB में, जैसे इसमें IB चेंज हो रहा था, इसमें IB चेंज हो रहा था, IB नहीं बदला, इसमें IG में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन इस VGS के बदलने की वजह से, इस VGS की बदलने की वजह से जो हमारा ड्रेन करंट है वो बदलेगा। तो जब आप इसको बदलोगे तो हमारा ड्रेन करंट चेंज होगा। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, FET का बेसिक क्या हुआ, FET की बेसिक ये हुई कि इफ यू आर वेरिंग दिस इनपुट वोल्टेज योर करंट विल बी चेंजिंग, एंड इफ योर करंट विल बी चेंजिंग इट मींस दिस इज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि FET FET is a voltage controlled current source। यानी कि this will be VC CS, that is voltage controlled current source, and this is current controlled current source, this is called CCCS। simple अगर हम इसको आप short में लिखो BJT को, this is current controlled current source, this will be current controlled current source and this will be voltage controlled current source। तो ये JFET और FET की अगर हम देखें तो थोड़ी सी analogy हमको इस तरह की दिखती है। अब हम लोग आगे JFET के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि JFET किस तरह से काम करता है, इसकी बेसिक एनालॉगी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसमें देखो तो JFET की जो बेसिक एनालॉगी है, द बेसिक एनालॉगी ऑफ JFET, या सिंपल सी बात है FET की, यानी कि हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की अगर हम बेसिक एनालॉगी देखें, ऑफ ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर अगर आप बात करो तो होता क्या है कि दिस विल बी सिमिलर एज अ वाटर टैप। सो अगर आप इसकी बेसिक एनालॉगी देखो, दिस इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनालॉगी ऑफ JFET, दिस कॉल्ड द मैकेनिकल So this is the mechanical analogy of JFET. So what you are doing? इस mechanical analogy में आप देखो, this is a water tank. This is a water tank. And this water tank is nothing but the source. This is the source of water. ये हमारा water tank होगा। अगर आप यहां पर देखो, एक हमने एक switch लगा रखा है। इस स्विच पे से हम इस वाटर के अमाउंट को कंट्रोल करेंगे। सो दिस स्विच इज नोन एज द गेट एंड फाइनली दिस वाटर विल बी मूव
inside the drain. Inside the drain. So this point is drain. So what is happening? Source से हम लोग drain तक पानी को पहुंचा रहे हैं. तो आप जैसे जैसे इस gate को control करते जाओगे, यानी कि जितना हम इसमें, अगर आप देखो तो इसको हम जितना इसमें मूव कराते जाएंगे अंदर की तरफ, जितना इसको हम मूव कराते जाएंगे अंदर की तरफ, उतना हमारे चैनल की विड्थ क्या होती जाएगी, यानी कि इस पानी के जाने का जो अमाउंट है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इसको पूरी के पूरी तरह से बंद कर दोगे, यानी कि अगर हम इसको पूरी तरह से चोक कर दें, एक पूरी तरह से हम इसको चोक कर दें, यहां पर इसको हम पूरी तरह से बंद कर दें, पूरी तरह से बंद कर दें, तो सिंपल सी बात है कि हम इसमें से पानी को नहीं फ्लो करेंगे. दिस इज नो फ्लो ऑफ वाटर. नो एनी फ्लो ऑफ वाटर. यानी कि अगर हम एक वक्त ऐसा आएगा कि हम इस गेट को पूरी तरह से बंद कर देंगे तो पानी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, पानी हमारा बंद हो जाएगा. यानी कि अगर हम देखें तो गेट का जो काम है वो पानी के फ्लो को कंट्रोल करना है, यानी कि सोर्स से आने वाले पानी को हम कंट्रोल करते हैं कहां कहां जाने के लिए, ड्रेन में जाने के लिए. तो सिंपल सी बात है कि जो जेफेट है या एफईटी है या मॉस्फेट है, आगे हम जो भी चीज पढ़ने जा रहे हैं, उसका जो बेसिक वर्किंग है वो कुछ इसी से रिलेटेड है. यहां पर हम सोर्स की बात कर रहे हैं, यहां पर हम इस गेट की बात कर रहे हैं, यहां पर हम फाइनली ड्रेन की बात कर रहे हैं. यानी कि आप सोर्स में बात करोगे चार्जेस की, और चार्जेस को आप पहुंचाओगे कहां पर, ड्रेन में. सो यू हैव टू सेंड योर चार्जेस फ्रॉम सोर्स साइड टू द ड्रेन साइड बाय कंट्रोलिंग द गेट टर्मिनल. यानी कि गेट टर्मिनल के थ्रू कंट्रोल करके हम इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि हम पानी को, तो हमारी जगह पानी का सोर्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ. सो इन जनरल फॉर एफईटी ऑपरेशंस वी सेंड द चार्ज कैरियर्स, फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन. तो अगर आप देखो तो हम बेसिक काम यही कर रहे हैं, हम सोर्स से ड्रेन की तरफ चार्जेस को क्या करते हैं, भेजते हैं. ये बिल्कुल हम इसको एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं कि बिल्कुल एकदम हमारा बिल्कुल इसी वाटर टैंक की तरह काम करता है, लेकिन बहुत हद तक ये चीज सिमिलर है एक दूसरे की. यानी कि अगर हम गेट के टर्मिनल को क्या करते जाए, हम गेट के टर्मिनल को इंक्रीज करते जाए, वैसे वैसे हमारा ये जो पाइप का चैनल है, यानी कि ये जो पाइप का रास्ता है, इस रास्ते की विड्थ को हम घटाते जाएंगे, और जैसे जैसे हम उसको घटाते जाएंगे हमारे ड्रेन में जाने वाले चार्जेस या ड्रेन में जाने वाला पानी जो है वो कम होता जाएगा. तो अगर आप इसकी मैकेनिकल एनालॉगी देखो तो मैकेनिकल एनालॉगी में हम यही करते हैं कि हम सोर्स से पानी को लेकर जा रहे हैं ड्रेन में बाय यूजिंग दिस गेट टर्मिनल. यानी कि टैप के नॉब को हम अगर गेट की तरह समझे तो जिस हिसाब से हम गेट को घुमाएंगे, जिस हिसाब से हम टैप के नॉब को घुमाएंगे, हमारा पानी कम होता जाएगा, या हम उसको खोलते जाएंगे हमारा पानी इंक्रीज करता जाएगा. सो गेट इज व्हाट, गेट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग, सोर्स इज फॉर चेंजिंग द सेंडिंग द चार्जेस, एंड ड्रेन इज फॉर वेयर यू हैव टू फाइनली सेंड द चार्जेस. यानी कि अगर आप देखो तो इन तीनों पॉइंट्स में एक ही चीजें हैं कि सोर्स से हम चार्जेस क्या करते हैं, सेंड करते हैं. सोर्स का काम है टू सेंड द चार्जेस, टू सेंड द चार्जेस. जैसे हम इमीटर की बात करते थे, टू सेंड द चार्जेस. तो अगर हम इसमें बीजेटी की एनालॉगी बनाएं तो सोर्स क्या हुआ, एक तरह से इमीटर की तरह काम करेगा, इट इज इमीटिंग. ठीक है, फाइनली यू हैव टू send where, we have to send it at the drain. So drain is used to collect the charges. यहां पर हम drain में charges को क्या करते हैं, collect करते हैं. And finally gate to control
to control the amount of charges. To control the amount of charges. So drain की अगर हम analogy देखें, तो drain की analogy क्या है? Finally collect करना है. तो अगर आप drain देखो, तो similar कैसा है? Collector की तरह. Drain हमारा similar हो गया collector की तरह. And finally हमको gate क्या कर रहा है? Control कर रहा है amount of charges. तो amount of charges अगर आप देखें, BJT में कौन control करता था? IB. जिस हिसाब से हम IB increase करते थे, उसी हिसाब से हमारा IC increase करता था. यानी कि gate अगर हम देखें, तो gate एक तरह से base का काम कर रहा है in BJT. अगर हम उसकी एनालॉगी देखें, तो BJT में जो इमीटर, कलेक्टर और बेस होते हैं, वही सिमिलर होते हैं इसमें सोर्स, ड्रेन और गेट की तरह. जैसे सोर्स का काम है चार्जेस को भेजना, ड्रेन का काम है चार्जेस को कलेक्ट करना, और गेट का काम है चार्जेस के अमाउंट को कंट्रोल करना. सो देयर इज थ्री टर्मिनल्स दैट यू यूज्ड इन द FET, दैट इज सोर्स, ड्रेन एंड गेट, विच इज सिमिलर एज इमीटर, कलेक्टर एंड बेस. To send the charge, to collect the charge and to control the amount of charge. बस इसमें फर्क इतना है कि अगर आप इसकी एनालॉगी देखो, इस फिगर को देखो आप ध्यान से, तो इस फिगर में ये जो चैनल है, ये जो रास्ता है, ये पाइप का जो रास्ता है, इसकी विड्थ को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. जिस हिसाब से इसको इंक्रीज करते जाओगे, इसमें पानी का फ्लो बढ़ता जाएगा. जिस हिसाब से आप इसको डिक्रीज करते जाओगे, इसमें पानी का फ्लो घटता जाएगा. तो ये तो आपको बेसिक नॉर्मल चीज है. अगर हम इसी को वोल्टेज के टर्म में करें, यानी कि हम यहां पर अगर हम वोल्टेज अप्लाई करें और हम इस चैनल की विड्थ को घटाना और बढ़ाना शुरू कर दें, तो सिंपल सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, उन इलेक्ट्रॉन का अमाउंट कभी ज्यादा होगा और कभी कम होगा. तो अगर ये ज्यादा और कम होने लगेगा, तो सिंपल सी बात है कि हम करंट के अमाउंट को भी कंट्रोल कर पाएंगे. इफ यू वांट टू सेंड मोर नंबर ऑफ चार्जेस, आप इसको बिल्कुल ओपन कर दोगे. इफ यू वांट टू सेंड नो एनी चार्जेस, यू विल क्लोज दिस पाथ, यानी कि इस चैनल को आप क्या कर दोगे? बंद कर दोगे. इसीलिए जब आप FET पढ़ोगे, तो FET की डिटेल्स में आपको यही चीज समझ में आएगी कि हम ज्यादातर चैनल्स की बात करते हैं. एन चैनल JFET, एन चैनल FET, एन चैनल MOSFET, पी चैनल MOSFET, ज्यादातर हम चैनल्स की बात करते हैं. और वो चैनल कुछ भी नहीं है, ये वही रास्ता है जिस पर ये सोर्स से चार्जेस आ रहे हैं, या सोर्स से पानी आ रहा है यहां पर, उसमें सोर्स से चार्जेस आएंगे. ये सारी चीजें हम लोग वन बाई वन और डिटेल में जब जाएंगे तो हम इसको जानेंगे. सो दिस वॉज, सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लर्निंग आउटकम, दैट इज रिकॉल द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. आई होप आपको समझ में आया होगा. सो लेट अस स्टार्ट आवर सेकेंड एंड थर्ड लर्निंग आउटकम, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ओवर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. सो देयर इज so many points on which we can say this is more advantages than BJT. Number one, it is a unipolar transistor. It is a unipolar transistor. It means what? So only single charge carrier is used. Only single charge carriers are used. तो ये इसका एक advantage है कि हमको इसमें दो चार्जेस का इस्तेमाल नहीं करना है, हमको इसमें सिर्फ एक सिंगल चार्ज का इस्तेमाल करना है, दैट इज ए यूनिपोलर ट्रांजिस्टर. सो फॉर या तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम इसमें होल का इस्तेमाल करते हैं. सो इट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. नंबर टू, देयर इज नो एनी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. Charge carriers in conduction of current. Current के conduction में minority charge carriers होते ही नहीं. तो अगर minority charge carriers नहीं होंगे, तो simple सी बात है,
इसमें चार्ज का मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा ऑन इंक्रीजिंग दिस टेम्परेचर। तो यानी कि इसके अंदर दूसरा एडवांटेज ये हुआ कि अगर इसके अंदर मैग्नेटिक चार्ज करियर नहीं है तो मैग्नेटिक चार्ज करियर होने की वजह से इसकी जो टेम्परेचर स्टेबिलिटी है वो बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि मैग्नेटिक जो चार्ज करियर्स है वो मल्टीप्लाई होते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यानी कि देयर इज नो एनी मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस। देयर इज नो एनी मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस। सो अगर आप थर्ड पॉइंट देखो, द थर्मल स्टेबिलिटी इज गुड। इट्स हैविंग ए गुड थर्मल स्टेबिलिटी। यानी कि इसके अंदर जो अगर आप टेम्परेचर स्टेबिलिटी देखो तो वो ज्यादा अच्छी होती है। क्यों? ड्यू टू नो एनी लीकेज करंट। कोई लीकेज करंट नहीं है, इस वजह से इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? अच्छी होगी। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें, इज लेस नॉइजी। इसके अंदर नॉइज कम होता है बिकॉज ड्यू टू द सिंगल चार्ज करियर। They are faster than BJT. BJT से faster होते हैं। इनकी जो current driving capability है वो ज़्यादा तेज होती है बनिस्बत हमारे BJT की। अगर आप कोई capacitor किसी FET से charge करें और किसी BJT से charge करें तो आपका जो capacitor है वो BJT के बजाय FET से तेजी से charge होगा, मतलब वो fastly charge होगा बनिस्बत हमारे BJT के। यानी कि they are faster than the BJT. So for If you will see कि अगर हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आगे देखेंगे उसमें आप ये देखिएगा कि जब हम एक FET को कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो किस तरह से वो तेजी से चार्ज हो जाएगा। आप अगर BJT को कनेक्ट करेंगे तो वो तेजी से चार्ज नहीं होगा। बट एक प्रॉब्लम और भी आती है आगे हम देखें तो BJT की जो करंट की वैल्यू है यानी कि करंट ड्राइविंग कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। यानी कि अगर हम 10 माइक्रो एम्पियर करंट FET से लेंगे तो BJT से 1 मिली एम्पियर करंट आएगा। तो 1 mA करंट आने की वजह से ज्यादा अगर आप कैपेसिटर्स या लोड जोड़ना चाहो तो BJT अच्छा है। लेकिन अगर आप कम लोड जोड़ो और उसको तेजी से रिस्पांस में लाना चाहते हो तो वहां पर हम FET का इस्तेमाल करते हैं। सो द रिस्पांस ऑफ द BJT FET इज फास्टर देन द BJT। जो BJT का FET का रिस्पॉन्स होता है वो फास्टर होता है बनिस्बत BJT के बिकॉज ड्यू टू द सिंगल चार्ज कैरियर्स। नाउ द सिक्स एडवांटेज इज कि इसके अंदर लेयर्स का झंझट नहीं है। इसके अंदर क्या होती है, एक सिंगल लेयर होती है और सिंगल लेयर में ही हम बाकी सारी चीजों को इनबिल्ट करते हैं। BJT में क्या होती है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती है जिसके साइजेस अलग अलग होते हैं। इमीटर थोड़ा सा छोटा होता है, कलेक्टर सबसे बड़ा होता है और बेस सबसे छोटा होता है। तो इमीटर बेस और कलेक्टर के डिफरेंसेस में देखिए तो इमीटर इज मॉडरेट, कलेक्टर इज लार्जर एंड बेस इज स्मॉलर। सो अगर आप BJT और FET के साइजेस में देखो तो साइजेस का जो अगर जो डिफरेंस है वो BJT में ज्यादा है, इसीलिए BJT को हम लोग इसमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं उसमें इनबिल्ट करना हमारे लिए BJT टिपिकल हो जाता है बनिस्बत FET के। क्योंकि FET की चैनल लेंथ को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, उसकी विड्थ को घटा और बढ़ा सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से हम उसको एडजस्ट करेंगे उसी हिसाब से उसकी कैपेसिटी वैल्यू और ये सारी चीजें उसकी बदलेंगी, वो हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल में। बट इफ यू विल सी द एडवांटेज इज दैट FET को किसी भी IC में पैकेज करना यानी कि इनबिल्ट करना वो ज्यादा आसान होता है बनिस्बत BJT से। सो दिस इज द वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ ओवर द BJT दैट वी कैन बिल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ICs बाय यूजिंग
एफईटी को यूज करके हम लोग ज्यादातर इंटीग्रेटेड सर्किट बनाते हैं। आगे आप जब सीमॉस पढ़ते हो तो सारे आईसीज ही बनते हैं, जितने भी आप एफईटी के ऑपरेशंस देखोगे सब में आईसीज बना सकते हो। बीजेटी से हम रेजिस्टेंस नहीं बना सकते हैं, बीजेटी से हम रेजिस्टेंस नहीं बना सकते हैं। जैसे आप जो रेजिस्टेंस देखते हो ना 1 ओम 2 ओम का, हम एफईटी की प्रॉपर्टी को यूज करके रेजिस्टेंस बना सकते हैं। सो वी कैन ऑल्सो डिजाइन design passive elements by using FET, जबकि बीजेटी में ये चीज अवेलेबल है ही नहीं कि हम बीजेटी से रेजिस्टेंस बनाना शुरू करें। हाँ, बीजेटी से डिजिटल गेट बना सकते हैं, लेकिन जब आप बीजेटी से डिजिटल गेट बनाएंगे तो एक तो वो स्लोअर होंगे, दूसरी चीज की उसकी जो जगह होगी यानी कि जो उसको आप आईसी में फैब्रिकेट करोगे तो आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे जो बीजेटी हैं वो स्पेस ज्यादा लेंगे, स्लोअर होंगे, तो उससे बेटर है कि हम एफईटी यूज करें ताकि हमारी जो इनबिल्ट कैपेबिलिटी है यानी कि जो हमारा आईसीज है उसका साइजेस क्या हो कम हो। तो इसलिए हम लोग एफईटी का इस्तेमाल ज्यादातर आईसीज बनाने में करते हैं। और पैसिव एलिमेंट्स भी आप बना सकते हो, जबकि आप बीजेटी से पैसिव एलिमेंट नहीं बना सकते हो, यू नीड सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप लगाओगे, जैसे आपने उसको लगाया वैसे ही आपका आईसी का साइज काफी बढ़ जाएगा, लेकिन एफईटी में अगर आप रेजिस्टेंस बना दोगे तो आपका साइज काफी घट जाता है। सो दिस विल बी यूज्ड फॉर डिजाइनिंग द आईसी सर्किट्स। एफईटी हैज high input resistance, it's not high, it's very high, as very high input resistance that is in mega ohms, bahut hi high input resistance hota hai, and output resistance एफईटी का अगर आप देखो तो इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा, इट्स ए हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड लो आउटपुट रेजिस्टेंस, एंड दिस प्रॉपर्टी इज यूज फॉर द एम्पलीफिकेशन। सो फॉर इट इज यूज फॉर एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज इस्तेमाल होता है, बनिस्बत हम बीजेटी के। तो अगर आप बीजेटी की जगह एफईटी यूज करोगे तो वो फैब्रिकेट भी इजी होगा, इजीली हो जाएगा। और दूसरी चीज कि हम इसमें इनपुट रेजिस्टेंस हाई और लो करके एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए यानी कि सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नाइन्थ पॉइंट इज द रेडिएशन इम्यूनिटी, यानी कि जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन्स को इन्वर्ट करो यानी कि जब आप उसमें लाइट को रेडिएट करो, जब आप लाइट रेडिएट करोगे तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर लीकेज करंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो लीकेज करंट के कॉन्सेप्ट नहीं होने की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। जो भी बदलाव आएगा वो किस में आएगा, मेजोरिटी में आएगा। तो मेजोरिटी में बदलाव आने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सो फॉर इट्स इम्यून ऑन द रेडिएशन, सो रेडिएशन इम्यूनिटी इज गुड, रेडिएशन immunity is better than BJT. Radiation immunity जो होती है वो better होती है BJT से, क्योंकि सिंपल सी बात है कि इसके अंदर लीकेज करंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो भी चार्जेस बनेंगे वो मेजोरिटी में ही कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जो हमारा वैल्यू है, जो हमारी रेडिएशन की इम्यूनिटी है, ये ज्यादा अच्छी हो जाएगी इसमें। Now the last point is
The last point is there is no any voltage at ID equals to 0. So when drain current is 0, there is VGS equals to 0. Yani ki hamara jo gate to source voltage hota hai, wo bhi kya ho jata hai? 0 ho jata hai. So, jab hum drain current ko 0 karte hain, yani ki jab usme current nahi flow hota hai, to hamara voltage bhi 0 hota hai. इसीलिए इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग चॉपर सर्किट्स को बनाने में करते हैं. चॉपर जो होता है डीसी चॉपर होता है, डीसी लेवल को इंक्रीज करना और डीसी लेवल को डिक्रीज करने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. तो अगर आप आगे पढ़ोगे चॉपर सर्किट इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यू विल सी कि जब हम वोल्टेज को जीरो करें यानी नलीफाई करें तो तुरंत हमारा आईडी करंट जीरो हो जाना चाहिए, जबकि बीजेटी में ऐसा नहीं होता है. बीजेटी में हमको वोल्टेजेस मिलते हैं व्हेन योर वी इज इक्वल्स टू जीरो. यानी कि आप देखो जब हम आईबी करंट को जीरो करते हैं तो हमारे पास लीकेज करंट आता है और ये प्रॉपर्टी इसमें नहीं है. यानी कि जब हमने इनपुट को जीरो किया तो हमारा आईडी सीधे सीधे जीरो होगा, उसमें कोई भी लीकेज करंट ऐड नहीं होगा. इसीलिए हम लोग बीजेटी को एज ए चॉपर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, वोल्टेज आएगा. जब अगर वोल्टेज आएगा सिंपल सी बात है, करंट फ्लो होगा तो वोल्टेजेस डेवलप होंगे, और अगर वोल्टेजेस डेवलप होंगे तो आप सीधे हाई वोल्टेज को जीरो पे नहीं लेकर आ पाओगे. सो एज ए चॉपर हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एफईटी कि जैसे हम वोल्टेज जीरो करते हैं वैसे ही हमारा करंट जीरो होता है. बीजेटी में ऐसा नहीं होता है. बीजेटी में जैसे आप वोल्टेज जीरो करोगे यानी इनपुट वोल्टेज को आप जैसे बंद करोगे, बट स्टिल देयर इज अ करंट फ्लो दैट इज अ लीकेज करंट. और वो इसलिए होता है क्योंकि रिवर्स बायस जंक्शन वहां पर हमको पाया जाता है. बट इसमें ये इसका एक एडवांटेज है. सो दीज आर द एडवांटेजेस ओवर द बीजेटी, जिसमें हम लोग ने ये पाया कि एक तो लेस नॉइजी है. इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस आप देखो तो एज एन एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करने में अगर हम देखें तो इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस हमारा बहुत कम होना चाहिए. रेडिएशन की इम्यूनिटी है और हम इससे आईसीज का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप देखना ज्यादातर आईसी में बनाने में हम एफईटी ही यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एफईटी की एक तो वेराइटी बहुत ज्यादा है और दूसरी चीज कि हम उसकी चैनल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. और जब हम चैनल लेंथ की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो सिंपल सी बात है कि हम उसको फैब्रिकेट करने में कम जगह लेंगे. पैसिव एलिमेंट्स आप बना सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस आप बना सकते हो, कैपेसिटिव इस्तेमाल भी आप कर सकते हो. तो रेजिस्टेंस वगैरह आप बना सकते हो, तो जहां जहां हमको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे एफईटी को ही एज ए रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकेंगे. और ये फास्टर होते हैं, फास्टर देन बीजेटी है. दूसरी चीज की इसके अंदर लेस नॉइज होता है क्योंकि इसके अंदर सिंगल चार्ज करियर है. दो चार्ज करियर अगर मूव करते हैं तो जो सिंपल सी बात है जो नॉइज होगा इनसाइड द डिवाइस वो बढ़ जाएगा. तो ये सारी चीजें हम देखें तो एडवांटेज है ओवर द बीजेटी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एफईटी. सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकेंड लर्निंग आउटकम, दैट इज रिकॉल द एडवांटेजेस ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ओवर द बीजेटी. आई होप आपको समझ में आया होगा. नाउ वी विल सी आवर थर्ड लर्निंग आउटकम, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. द क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इफ यू विल क्लासिफाई एफईटी देयर विल बी टू कैटेगरीज. नंबर वन इज JFET. JFET is junction field effect transistor. This is called junction field effect transistor. Number two, number two is the MOSFET. इसमें FET term तो आप already जानते हैं, MOSFET के बारे में जब बताते हैं आपको, तो you can write it, this is metal field effect transistor. इसको metal oxide semiconductor field effect transistor बोलते हैं. metal oxide semiconductor की layer, अगर आप semiconductor को oxide कर दो तो वो insulator बन जाता है. जैसे silicon को आप oxide कर दो, silicon dioxide बन जाएगा. वो एक तरह की लेयर होती है, जैसे होता है ना कि हमारे लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, तो वो क्या है, एक तरह का इंसुलेटर बन जाता है. तो आप सिंपल सी बात है कि अगर हम मेटल को की जगह सेमीकंडक्टर को हम ऑक्सीडेशन कर दें तो वो एक तरह की लेयर बन जाएगी और उस लेयर को हम एज ए इंसुलेटर की तरह इस्तेमाल करेंगे. MOSFET की के बारे में मैंने ये बताया कि इसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है.
इसलिए हाई होता है क्योंकि हम ये इंसुलेटर्स की लेयर का इस्तेमाल करते हैं। जब आप इसका लेयर का इस्तेमाल करोगे तब आपको ऑलरेडी पता चलेगा कि हम कैसे इसको करते हैं। नाउ इफ यू विल सी देयर इज टू कैटेगरी इन JFET, वन इज एन चैनल JFET second is p channel JFET and in MOSFET there is again two category So in MOSFET there is two category, one is depletion type MOSFET and second is the enhancement type MOSFET. In depletion type MOSFET there is again two category. N channel depletion MOSFET is p-channel depletion MOSFET. Now in the enhancement MOSFET if you will see there is again two category, one is n-channel enhancement MOSFET and second is the p-channel. So now, if you will see the classification of field effect transistor, there is two category. One is the junction field effect transistor, second is MOSFET. MOSFET is metal oxide semiconductor field effect transistor. So if you will talk about junction field effect transistor, there will be again two category, that is N-channel JFET and second is the P-channel JFET. So N-channel JFET or P-channel JFET, ye do category banti hai. MOSFET mein agar hum dekhen, to phir ye do category hai, depletion type MOSFET aur enhancement type MOSFET. डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट में हम एक को बोलते हैं एन चैनल डिप्लीशन मॉस्फेट और दूसरी कैटेगरी है पी चैनल डिप्लीशन मॉस्फेट। उसके बाद से अगर आप इन्हांसमेंट मॉस्फेट को देखो तो इन्हांसमेंट मॉस्फेट ये बहुत ही प्रैक्टिकली यूज होता है इन्हांसमेंट मॉस्फेट। डिप्लीशन मॉस्फेट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है पर इन्हांसमेंट मॉस्फेट को हम लोग बहुत आगे तक यूज करते हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसमें इन्हांसमेंट बहुत ही ज्यादा यूज में आता है। So this is the N-channel depletion enhancement MOSFET and this is P-channel enhancement MOSFET. ये दोनों बहुत ही practically use होते हैं। आगे अगर हम देखें इसकी अगर हम और broader category में जाएं तो अगर हम इन दोनों को combine करते हैं N-channel और P-channel को तो एक और MOSFET तैयार होकर आता है और उस MOSFET का नाम है CMOS, जिसमें हम लोग डिप्लीशन मॉस्फेट तो यूज कर सकते हैं, इन्हांसमेंट सबसे ज्यादा यूज होता है। सो व्हेन यू कंबाइन एन चैनल एंड पी चैनल देयर इज अनदर टाइप ऑफ मॉस्फेट इज यूज्ड दैट इज नोन एज सीमॉस और इसका नाम हम लोग देते हैं तो इफ यू विल कंबाइन सीमॉस सो इट विल बी एन चैनल डिप्लीशन इन्हांसमेंट मॉस्फेट एंड पी चैनल इन्हांसमेंट मॉस्फेट। आप डिप्लीशन से भी बना सकते हो बट ज्यादातर अगर हम देखें प्रैक्टिकली यही यूज होता है फॉर डिजाइनिंग दिस सीमॉस। सीमॉस में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब एक दूसरे के अपोजिट, एक तरफ हम एन चैनल लगाएंगे तो दूसरी तरफ हम पी चैनल लगाएंगे, तो एन चैनल और पी चैनल को हम कंबाइन करके सीमॉस बनाते हैं। एंड दिस सीमॉस इज नॉट अ सीमॉस बैटरी जो हम लैब इसमें
जो हम यूज करते हैं हमारे इसमें कंप्यूटर्स में, उससे ये अलग है, ये दूसरी चीज है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर हम लोग इसके लॉजिक गेट्स वगैरह बनाने में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, नैंड गेट बनाने में, नॉर गेट बनाने में। सो कॉम्प्लीमेंट्री इज व्हाट इज यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एन चैनल एंड पी चैनल मॉसफेट। सो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ मॉसफेट दैट हैज बीन प्रैक्टिकली यूज्ड। ये बहुत ही फास्टर होते हैं, इनका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होता है, ये मैक्सिमम वोल्टेजेस देते हैं, इनके अंदर जो गेट्स के डिले आते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। आप अगर आगे इन हायर स्टडीज में जाओगे तो आपको ज्यादातर सीमॉस के बारे में ही पढ़ना होगा, किस तरह से हम सीमॉस को डिजाइन कर सकते हैं, कितना उसके हम फास्टर रिस्पॉन्स ले सकते हैं, किस तरह से हम उसके डिलेस को कम कर सकते हैं। सो इफ यू विल गो इन प्रैक्टिकल पर्पस इन द कंपनीज ज्यादातर हम लोग सीमॉस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सो सीमॉस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर, जो कि हम लोग लैब में या आगे हम लोग आगे देखेंगे। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा कि किस तरह से मैं इसमें सीमॉस को हम इस्तेमाल करेंगे, एंड आई विल डिजाइन सम फ्यू सर्किट्स बाय यूजिंग दिस सीमॉस मेथड, कि हम सीमॉस को इस्तेमाल करके किस तरह से एंड गेट, नॉर गेट या और गेट वगैरह जो भी हमारे बेसिक गेट्स हैं उसको हम कैसे बना सकते हैं। सो आई विल टॉक अबाउट दैट। सो वेन यू कम्बाइन दिस इन डिप्लीशन मॉसफेट, इन सब चीजों के बारे में जब हम जान लेंगे तब हम लोग बात करेंगे सीमॉस की। सो इन अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ओके, सो इन द ब्रॉड क्लासिफिकेशन इफ यू विल सी देयर इज ओनली टू कैटेगरीज, वन इज द जेफेट, सेकंड इज द मॉसफेट। एंड इफ यू विल क्लासिफाई दिस ऑल थिंग्स, जेफेट एकदम अलग कैटेगरी में आता है, जिसमें एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट यूज करते हैं। ये ज्यादातर एम्पलीफिकेशन पर्पज के लिए यूज होता है। मॉसफेट आज की डेट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता है, क्योंकि इसकी सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा होता है, और हमको इसमें बहुत ज्यादा फैब्रिकेशन में बहुत आसानी है इसको बनाने में, इसके चैनल्स वगैरह को हम चेंज कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें बहुत अच्छी हैं जो कि एक आईसी को फैब्रिकेट करने के लिए होनी चाहिए। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर थर्ड लर्निंग आउटकम, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप नाउ यू आर एबल टू रिकॉल द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसमें आपने ये जाना बीजेटी की कंस्ट्रक्शन में और एफईटी की कंस्ट्रक्शन में जो बेसिक फर्क होता है वो क्या होता है, जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की एनालॉगी है वो किससे बनी हुई है और किस पर डिपेंड करती है, जिसमें हमने सोर्स, वाटर टैंक और इन सब चीजों से उसको मिलाकर देखा। नाउ यू आर एबल टू रिकॉल द एडवांटेजेस ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ओवर बीजेटी। आपने बीजेटी के ऊपर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के एडवांटेजेस के बारे में जाना, जिसमें ये जाना कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कम नॉइजी होते हैं, फास्टर होते हैं, इसके अंदर लीकेज करंट नहीं होता है, इसको हम चॉपर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हम वोल्टेज नहीं देते हैं तो उसमें करंट नहीं फ्लो होता है, इन सब चीजों के बारे में आपने इसमें जाना। नाउ यू आर एबल टू क्लासीफाई द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आपने देखा कि एक ब्रॉड कैटेगरी है जो कि क्लासीफाई होती है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वो उसमें दो पार्ट आ जाते हैं, एक हो जाता है जेफेट और दूसरा हो जाता है मॉसफेट। जेफेट की भी अलग कैटेगरी है, देन मॉसफेट की अलग कैटेगरी है। मॉसफेट का आज की डेट में जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो बहुत ज्यादा यूज होता है, वो होता है सीमॉस, जिसमें हम इन सब चीजों को इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में लेते हैं एन चैनल और पी चैनल की। तो आईसी डिजाइनिंग में और आगे के जितने प्रैक्टिकल पर्पस है उसमें हम लोग इन्हीं सब चीजों को, इफ यू विल गो इन मोर हायर स्टडीज, आपके जो चीजें हैं वो ज्यादातर इनबिल्ट हो जाती हैं, ज्यादातर फोकस्ड हो जाती हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की तरफ, क्योंकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में ही ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फास्टर है और बाकी सब चीजों से जोड़ देंगे तो वो चीजें और अच्छी हो जाती हैं। सो वी कैन डिजाइन डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स ऑल्सो बाई यूजिंग दिस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आई होप नाउ यू आर एबल टू रिकॉल द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसमें आपने ये जाना बीजेटी कंस्ट्रक्शन में और एफईटी की कंस्ट्रक्शन में जो बेसिक फर्क होता है वो क्या होता है, जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की एनालॉगी है वो किससे बनी हुई है और किस पर डिपेंड करती है, जिसमें हमने सोर्स, वाटर टैंक और इन सब चीजों से उसको मिलाकर देखा। नाउ यू आर एबल टू रिकॉल द एडवांटेजेस ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ओवर बीजेटी। आपने बीजेटी के ऊपर
फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के एडवांटेजेस के बारे में जाना, जिसमें ये जाना कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कम नॉइजी होते हैं, फास्टर होते हैं, इसके अंदर लीकेज करंट नहीं होता है, इसको हम चॉपर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हम वोल्टेज नहीं देते हैं तो उसमें करंट नहीं फ्लो होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपने इसमें जाना। नाउ यू आर एबल टू क्लासीफाई द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आपने देखा कि एक ब्रॉड कैटेगरी है जो कि क्लासीफाई होती है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वो उसमें दो पार्ट आ जाते हैं, एक हो जाता है जेफेट और दूसरा हो जाता है मॉसफेट। जेफेट की भी अलग कैटेगरी है, देन मॉसफेट की अलग कैटेगरी है। मॉसफेट का आज की डेट में जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो बहुत ज्यादा यूज होता है, वो होता है सीमॉस, जिसमें हम इन सब चीजों को इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में लेते हैं एन चैनल और पी चैनल की। तो आईसी डिजाइनिंग में और आगे के जितने प्रैक्टिकल पर्पस है उसमें हम लोग इन्हीं सब चीजों को, इफ यू विल गो इन मोर हायर स्टडीज, आपके जो चीजें हैं वो ज्यादातर इनबिल्ट हो जाती हैं, ज्यादातर फोकस्ड हो जाती हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की तरफ, क्योंकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में ही ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फास्टर है और बाकी सब चीजों से जोड़ देंगे तो वो चीजें और अच्छी हो जाती हैं। सो वी कैन डिजाइन डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स ऑल्सो बाई यूजिंग दिस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर।